तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की बहुत ही हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस अनन्या पांडे की आने वाली फिल्मों के बारे में। जी हां दोस्तों, इस समय अनन्या पांडे की काफी कमाल कमाल की फिल्में आने वाली हैं, जिन्हें 2023 और 2024 में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Let's go, boys! अनन्या पांडे की आने वाली पहली फिल्म है ड्रीम गर्ल 2। ड्रीम गर्ल 1 को 2019 में रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था। इसे 28 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 200 करोड़ की धुआंधार कमाई करी थी। और भी अच्छी लगी मेरे इमरान हाशमी, तेरे लिए दिल काटा। अब हमें इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्रीम गर्ल 2 के तौर पर बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जो एक फुल कॉमेडी फिल्म होने वाली है। वैसे इसमें हमें आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, अन्नू कपूर, राजपाल यादव और अभिषेक बैनर्जी जैसे कमाल के कलाकार नजर आने वाले हैं। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं राज संदलिया, जो ड्रीम गर्ल 1 को भी डायरेक्शन दे चुके हैं। इसे प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने और इसे बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। ड्रीम गर्ल 2 काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसे 25 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ड्रीम गर्ल 2 फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार, क्योंकि ये काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म होने वाली है। अनन्या पांडे, राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो। अनन्या पांडे की आने वाली अगली फिल्म है खो गए हम कहां। खो गए हम कहां एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं। इसे डायरेक्शन दे रहे हैं अर्जुन बरेन सिंह। ये काफी कमाल की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसमें मुंबई में रहने वाले 3 दोस्तों की एक डिजिटल युग की कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म में हमें अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इसे 2023 में रिलीज किया जा सकता है। अनन्या पांडे का नेक्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने के साथ होने वाला है। दोस्तों विक्रमादित्य वही डायरेक्टर हैं जो इससे पहले उड़ान और लुटेरा जैसी कमाल की फिल्में बना चुके हैं। अनन्या पांडे की ये फिल्म एक साइबर थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें अनन्या पांडे एक साइको के रोल में नजर आएंगी। इसे काफी बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, जिसमें अनन्या पांडे बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में नजर आने वाली हैं। इस बड़ी फिल्म को 2023 नहीं तो 2024 में रिलीज किया जा सकता है। अनन्या पांडे की आने वाली अगली फिल्म है लफड़ेबाज। लफड़ेबाज एक फैंटेसी हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और सैफ अली खान मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं सुपर्ण वर्मा, जो इससे पहले आत्मा, एसिड फैक्ट्री और एक खिलाड़ी एक हसीना जैसी कमाल की फिल्में बना चुके हैं और इसे एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इसमें हमें अनन्या पांडे और सैफ अली खान बाप बेटी के रोल में नजर आने वाली हैं और सिद्धांत चतुर्वेदी इसमें अनन्या पांडे के लवर बॉय के रोल में दिखाई देंगे। दोस्तों अभी इसकी शूटिंग काम किया जा रहा है। अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इसे 2024 में रिलीज किया जा सकता है। तुम्हारे पापा मर गए हैं। अनन्या पांडे का नेक्स्ट प्रोजेक्ट कॉल मी बे है, जो एक टीवी सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें अनन्या पांडे, वरुण धवन और जूही बब्बर मेन लीड में नजर आएंगी। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें अरबपति फेनिस्टा को उनके अति अमीर परिवार द्वारा बदनाम किया जाता है, जो एक काम में घोटाले कारण होता है और अपने जीवन में उसे पहली बार लड़ना पड़ता है। बस यही कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगी। अनन्या पांडे के इस टीवी सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर 2023 में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अनन्या पांडे की आने वाली बड़ी फिल्में। आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार। और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।